नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स आई न्यूज ब्रेक में। आज एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इंडियन कार इंडस्ट्री की तरफ से, इंडियन एसयूवी इंडस्ट्री में, जहां पे एसयूवी सेगमेंट जो मिड साइज वाला है वहां हम बहुत बड़ी खलबली देखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली एक फॉर्मल रिलीज आ गया है, टोयोटा और मारुति का ज्वाइंट रिलीज, जिसमें उन्होंने बात की है किसके बारे में, यू गेस इट राइट, अपने आने वाले मिड साइज एसयूवी के बारे में। और यहां हम इनकी तस्वीरें लगातार इंटरनेट पे देख रहे हैं, इंटरनेट की जो खबरें हैं वो अटी पड़ी हैं इन दोनों एसयूवी के स्पाई पिक्स से, स्पेकुलेटिव टेक स्पेक्स से, फीचर्स क्या हो सकते हैं, फेस कैसा होगा, उसका हेडलैम्प कैसा होगा, नोज कैसा होगा, अंदर फीचर्स क्या होंगे, हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम सभी जो कार लवर्स इंथुजियास्ट और इसके अलावा कुछ एक जो पोटेंशियल बायर्स, ये सभी इस सेगमेंट के ऊपर आने वाली इन दोनों ही एसयूवीज के ऊपर नज़र डाले हुए हैं। और ये हम सभी अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहानी कैसी होगी। अब कंपनी ने कुछ तो साफ कर दिया, फॉर्मली कुछ तो उन्होंने जानकारी दी है, जिसमें से एक जानकारी तो ये कि ये टोयोटा के प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा आपने खबर देखी होगी जो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन इंटरनेशनल मार्केट में जो टोयोटा के पोर्टफोलियो में है, वो टेक्नोलॉजी आपको इस आने वाली मिड साइज एसयूवी में भी देखने को मिलेगी। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इस सेगमेंट में और किसी में इस तरह के एसयूवीज में नहीं है, वो किस तरह से काम करेगा, उसकी प्राइसिंग कैसी होगी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इसके बारे में आपको बता दें कि 1 जुलाई को हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि कहानी कैसी है, क्योंकि उसी दिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि हाई राइड है जो टोयोटा के एसयूवी का नाम होगा हाई राइडर, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि हम उसके लॉन्च की खबर देखेंगे। मारुति के जो लॉन्च की खबर है वो हो सकता है कि सितंबर तक आए, लेकिन ये बात तय है कि दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी डिस्टिंक्ट होने वाली हैं। आपको याद होगा कि टोयोटा और मारुति के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू साइन हुआ था, जहां पे उन्होंने बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। और आपको शायद ये भी याद हो कि 2022, 21, 20 ये सारा डिस्कशन चल रहा था कि जब हम छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे मारुति की तरफ से, जो टोयोटा और सुजुकी ने मिलकर बनाई हो। अब उस गाड़ी के बारे में तो खबर साफ है, बार बार मारुति कह चुकी है 2025 तक वो इस सेगमेंट की अपनी जो मास मार्केट वाली ईवी है वो लेकर आएगी, लेकिन इन एसयूवीज के ऊपर, बल्कि क्योंकि दोनों हैं तो इन एसयूवीज के बारे में खबरें हैं जो लगातार हम देख रहे थे। और उसमें से एक तो हाइब्रिड की खबर हमें अब कंफर्म हो गया कंपनी की तरफ से, हाई राइडर नाम है ये मोरलेस। बहुत सारे जो स्पाई पिक्स हमने देखे हैं, जो खबरें टीज हुई हैं या खबरें लीक हुई हैं, उस हिसाब से हम उसे देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं, जो स्पेकुलेशन चल रहा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जिसके साथ ये हाइब्रिड जो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग जो भी हो उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि जो हमने ब्रेजा और बलिनो में देखा था, यानी ब्रेजा वही आप अर्बन क्रूजर के तौर पर उसी को टोयोटा का प्रोडक्ट देखते हैं नाम और बैजिंग चेंज करके, जैसे हमने ग्लांजा को देखा हुआ है बलिनो का जो टोयोटा अवतार है नाम और बैजिंग चेंज करके, वैसी कहानी इस सेगमेंट में इन एसयूवीज के साथ नहीं होगी। बहुत जुदा, बहुत ही डिस्टिंक्ट ये दोनों प्रोडक्ट होने वाले हैं। अब जो प्राइसिंग है उसके बारे में हम सभी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि क्या हो सकती है प्राइसिंग। टोयोटा का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लग रहा है कि वो थोड़े प्रीमियम साइड पे होगा, मारुति के मार्केट और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लग रहा है कि वो थोड़े से अग्रेसिव साइड में होगा। लेकिन ये खबरें हम ज़रूर सुन रहे हैं कि जो बेस वर्जन होगा हाई राइडर का, हो सकता है काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आए, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये सेगमेंट वैसे भी काफ़ी ज़ोरदार एक्शन से भरपूर रहता है, चाहे क्रेटा हो, सेल्टॉस है, उनकी जो वेटिंग पीरियड है उसकी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो वहाँ पे लग रहा है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ इस सेगमेंट में काफ़ी खलबली मचने वाली है, एंड विल ऑल कीप यू अपडेटेड कि वहाँ पर क्या क्या एक्शन देखने को। फिलहाल हाई राइडर के लॉन्च का इंतज़ार कीजिए, उसके प्राइस के बारे में और ज़्यादा ठोस जानकारी और कन्फर्म जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, ड्राइव सेफली।